मेरा मानना है कि जातीय जनगणना से पहले इस राज्य में, इस देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है और जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में बनना चाहिए। उसके बाद कोई और जातीय जनगणना होता रहे कोई दिक्कत नहीं, पहले जनसंख्या नियंत्रण तो करे। पहले इस ये धरती जो है ना, ये जनसंख्या के लोड से दबा जा रहा है। हमारा देश का जो क्षेत्रफल है और जितनी जनसंख्या है उसमें हमारा देश दबा जा रहा है जनसंख्या के भार से। कोई विकास का काम संभव नहीं है अगर यही रफ्तार जनसंख्या का रहा। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि अगर जनसंख्या का यही हाल रहा तो हमारे देश में भी तालिबानी ताकत जो है वो सर उठाएगी और अफगानिस्तान का हाल हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उसके बाद जो जनगणना करना करते रहे, हमें कोई अपमान चाहिए जो संभव नहीं। सर, जातीय जनगणना पर केसी त्यागी ने आज बयान दिया है कि बीजेपी के जो बड़े नेता है, खासकर के सुशील कुमार मोदी, गोपीनाथ मुंडे और तारकिशोर प्रसाद समर्थन में, लेकिन अभी भी कई बीजेपी के नेता समर्थन में नहीं है। आप मंत्री हैं सर, बीजेपी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना लोगों का अपना अपना पसंद है, जिनको पसंद है वो अपना काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जातीय जनगणना से पहले इस राज्य में, इस देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है और जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में बनना चाहिए। उसके बाद कोई और जातीय जनगणना होता रहे कोई दिक्कत नहीं, पहले जनसंख्या नियंत्रण तो करे। पहले इस ये धरती जो है ना, ये जनसंख्या के लोड से दबा जा रहा है। हमारा देश का जो क्षेत्रफल है और जितनी जनसंख्या है उसमें हमारा देश दबा जा रहा है जनसंख्या के भार से। कोई विकास का काम संभव नहीं है अगर यही रफ्तार जनसंख्या का रहा। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि अगर जनसंख्या का यही हाल रहा तो हमारे देश में भी तालिबानी ताकत जो है वो सर उठाएगी और अफगानिस्तान का हाल हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उसके बाद जो जनगणना करना करते रहे, हमें कोई आपत्ति। अच्छा सर, एक और सवाल है सर, जेडीयू बीजेपी ने सवाल खड़ा किया था कि जेडीयू में तीन पावर पोजीशन पे पार्टी बट रही है, लेकिन आज जेडीयू ने जो पोस्टर लगाया पार्टी कार्यालय के बाहर, सभी नेताओं का चेहरा गायब कर दिया, सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा है। ये जेडीयू का अपना समस्या, इस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। सारे समूचे देश की मांग है, देश की कोई भी केंद्रीय क्षेत्रीय पार्टी ऐसी नहीं है जिसने कास्ट सेंसस का विरोध किया। भाजपा के कुछ नेता तो बोलते हैं फालतू चीज है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सभी नेताओं में एकमत से और विभिन्न राज्यों के काफी नेताओं ने भी इसका समर्थन किया है। बीच में एक बात उठी थी पीएम सीरियल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में बोला गया था। सभी छोटे बड़े क्षेत्रीय दल अपने अपने नेता को बड़े पदों के लिए उपयुक्त मानते हैं। अगर जनता दल के कार्यकर्ता ऐसा महसूस करते हैं कि नीतीश कुमार जी योग्य व्यक्तियों में हैं, तो इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। भाजपा तो बोलती है कोई वैकेंसी ही नहीं है। हाँ, नहीं है वैकेंसी।